हेलो एवरीवन, आई एम योर प्राची मैम विद योर टुडेज मैथ्स वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन द डेट इन द डेट कॉलम 17 अगस्त 2020 एंड राइट डाउन होमवर्क एंड प्रैक्टिस टाइम 2.11. ओके, एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक, नॉट इन नोटबुक. व्हाट वी हैव टू डू, रीग्रुप द फॉलोइंग. हमें सेम वही करना है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किया था. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने वहां पर वंस को रीग्रुप किया, फिर टेंस को किया, फिर हंड्रेड. अब हमारा हंड्रेड्स को करना है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करने का मेथड हमारा सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. बस डिफरेंस इतना है कि अगर यहाँ पर वंस होता है तो यहाँ पर वंस और टेंस के कॉलम होते हैं, और यहाँ पर टेंस होता है तो यहाँ पर टेंस और हंड्रेड्स के कॉलम होते हैं, और यहाँ पर हंड्रेड्स हैं तो यहाँ पर हंड्रेड्स और थाउजेंड के कॉलम हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1600s. सो हमें पता है क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर हम फर्स्ट कॉलम में रख देंगे, सेकेंड नंबर हम सेकेंड कॉलम में रख देंगे. 1600s को हम क्या राइट कर सकते हैं, 600s. तो यहाँ पर हम 6 राइट करेंगे, और ये 1 कहाँ जाएगा हमारा, 1000 के प्लेस पे, तो 1000. सो हम 1600s को क्या राइट कर सकते हैं, 1600s को हम राइट कर सकते हैं 1000 प्लस 600, 1000 प्लस 600 और 1600s. ओके, सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज 2000s. अब ये बताइए 2000s को हम 1000 और 100s में कैसे चेंज करेंगे. फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, जीरो, तो हंड्रेड्स के प्लेस पर क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो कि हमारा जीरो है, तो यहाँ पर हमारा होगा जीरो. ओके, और सेकंड हमारा नंबर क्या है, टू, तो थाउजेंड के प्लेस पर क्या होगा, टू, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, टू. ओके, हमने क्या किया, 1616, तो 600 और 1000. 20 का 0, 100 और 2000. सेम हमें 2400, सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है. 2700, सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है. और 1300, सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है. ओके, अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 and 7, दीज आर सम, देर आर सम डिफरेंस इन दीज क्वेश्चन. वॉट इज द डिफरेंस, यहाँ पर हमें 1000 भी दिया है और 100 भी दिया है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है. हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं. कहाँ पर कर रखे हैं, चलिए देख लेते हैं. हमने सेम ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं प्रैक्टिस टाइम 2.9 में, 500 और प्लस 18 टेंस, और वहां पर क्या दिया हुआ है, 1000 और 100 में दिया हुआ है. तो हमने जब जैसे इसमें करते थे, एक नंबर यहाँ पर राइट कर लेते थे और दूसरा नंबर हमारा दूसरे कॉलम में चला जाता था, सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक ही मेथड से करने हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं. सबसे पहले हम हंड्रेड्स को सॉल्व कर लेते हैं. तो हंड्रेड्स को सॉल्व करने के लिए हंड्रेड्स का कॉलम ये है, और यहाँ पर टू डिजिट है. हंड्रेड्स के डिजिट में सिर्फ एक ही रहेगा कॉलम में, कौन सा, फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500. और ये जो हमारा 1 है ये एक्स्ट्रा है, ये जाएगा 1000 में. जैसे यहाँ पर गया था 16 का 6 गया था हंड्रेड्स में और 1 कहाँ गया था, 1000 में. वैसे ही 15 का 5 गया हंड्रेड्स में और 1 कहाँ जाएगा, 1000 में. लेकिन यहाँ 1000 और एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है जो कि इसमें के साथ प्लस में है. तो 1000 इसका ये 1 और एक ये 1, तो कितना हो गया, 1 और 1 2. सो यहाँ पर हो जाएगा 2000. क्वेश्चन नंबर 7, 1111 हंड्रेड्स और 3000. 1000 हमारा 3 पहले से दिया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा 1000 हमारा आएगा इसी में ऐड होगा. तो सबसे पहले हंड्रेड्स को सॉल्व करते हैं. हंड्रेड्स का 1 इस कॉर्नर का, हंड्रेड्स का 1 हमारा हंड्रेड्स के कॉलम में जाएगा जिस तरह जाता है. जैसे यहाँ पर 5 था तो 5 गया था, यहाँ पर 1 है तो 1 जाएगा. तो यहाँ पर हमारा 100 हो गया, और ये वाला 1 हमारा कहाँ जाएगा, हंड्रेड्स के बाद किस कॉलम में जाएगा, 1000 के कॉलम में. ठीक है, 1 हमारा 1000 के कॉलम में तो गया, लेकिन 3000 और भी है. 1000 हमारा जो आया कैरी, और 3000 हमारा पहले से है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4000. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4000. और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए गए हैं. ओके किड्स, डू दिस वर्क
इन योर बुक एंड योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके क्वेश्चंस सही होने चाहिए. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी. ओके किड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.